पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों सिंधी समाज के 28 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सिंधी समाज में खुशी की लहर, अजीत पवार को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। 9 लोगों का मामले फिर निकलने से प्रोसेस में है। अजीत पवार ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख को बिना विलम्ब प्रोसेस पूरा करके नागरिकता प्रमाण पत्र देने को कहा है। यह नागरिकता प्रमाण पत्र पुणे के सर्किट हाउस में प्रदान किया गया। इस अवसर पर पिंपरी के राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक अन्ना बनसोड़े, नगर सेवक डब्बू आसवानी, डॉक्टर कृष्ण वेरवानी, सुनील केशवानी, राजकुमार केवल रमानी, महेंद्र पंजवानी, बाला साहेब रनवल उपस्थित थे। साथ ही 150 लोगों के नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है। सिंधी समाज की गठित कमेटी इसके लिए प्रयासरत है। साथ ही सिंधी समाज के घरों से संबंधित सनद का अधिकार के लिए नगर सेवक डब्बू आसवानी ने पालक मंत्री को एक पत्र देकर वर्षों से प्रलंबित समस्या को हल करने की विनती की है। इस बारे में अजित पवार ने पुणे जिलाधिकारी को यथाशीघ्र समस्या को हल करने के निर्देश दिए हैं। सनद प्रमाण पत्र के बिना सिंधी समाज को बांध काम करने की अनुमति नहीं मिलती। अजित पवार ने सिंधी समाज की इस पुरानी मांगों को गंभीरता से लिया है और पूरा करने का ठोस आश्वासन दिया है। ऐसी जानकारी नगर सेवक डब्बू आसवानी ने हमारे संवाददाता को दी। हमारे यहाँ के जो लोग बीच में 20-25 साल पहले पाकिस्तान से आए थे, तो उनका कुछ नेशनल डिपेंडिंग था, तो उनका हमने बहुत फॉलोअप भी किया। लेकिन अब एक महीना 26 तारीख को मैंने माननीय अजीत दादा पवार साहब को, डेप्यूटी सीएम को, एक पत्र दिया कि कलेक्टर के पास कुछ 35 पेंडिंग है और 150 दिल्ली में पेंडिंग है, तो दादा हमारी एक विनती है कि इनको नेशनलिटी जल्द से जल्द मिल जाए। दादा ने वो बात दिल पे ली और 26 कलेक्टर को आदेश दिया कि इनका क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए जो भी है। तो विद इन 10 डेज कलेक्टर साहब ने हमारे नागरिकों को जो भी इनकी नेशनलिटी है सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके विद इन 10 डेज वो काम किया। मैं थैंक्स अजीत दादा पवार साहब को जो इतना जल्द काम हुआ। कल दादा ने अपने हाथों से 28 लोग का नेशनलिटी इशू किया है। कुछ 9 पेंडिंग है, कुछ क्वेरी है किसका साइन है या कुछ एक्स वाई जेड डॉक्यूमेंट्स कम है, तो वो भी ये हफ्ते में हो जाएगा। और जो बाकी 150 दिल्ली में पेंडिंग है, दादा माने अजीत दादा पवार साहब ने अनिल देशमुख सर कलेक्टर साहब को भी बोला है कि ये भी बाकी जो पेंडिंग है वो भी जल्द होना चाहिए। और 20-25 साल से जो हमारे सिंधी लोग यहाँ आए हुए थे, उनके मन में इतनी खुशी है कल, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा कि हमने जीवन में आज सब कुछ पा लिया है। अभी 9 लोग कलेक्टर बस पेंडिंग है, 150 दिल्ली में पेंडिंग है, 450 से 500 लोगों मिल चुका है। 2009 से 14 जब हमारे यहाँ पर सत्ता थी ऊपर मन, तभी भी 300 से 350 इशू हुए थे और अभी भी ये महीने में 28 इशू हुए। बाकी जो पेंडिंग है ये 2 महीने के अंदर देशमुख सर कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं आपको करवा दूंगा। नहीं, अभी उनका तो सब आई थिंक मोर देन 80% नेशनलिटी आ गई है। जो 10-15% है जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर लिए। उनका एक जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनका एक स्लिप हमको मिलता है, वो स्लिप मिलने की वजह से उनको थोड़ी शांति है। उनको अभी एट प्रेजेंट कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माननीय अजीत दादा पवार साहब को कि हम जब 1955 साल से यहाँ पर हैं तो हमारे सनत का भी इशू है, तो वो सनत के इशू के लिए भी दादा ने कलेक्टर को बोला है कि ये जो भी सनत का इशू है पिंपरी कैंप का पर्सनल, ये 1.5-2 महीने के अंदर क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ पिंपरी में कम से कम 700-800 घर ऐसे हैं जिनको सनत नहीं था, अभी 300-350 घर को परमिशन लेके घर बनाए, तो उसके लिए सनत की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी 300-350 लोग का इशू हो चुका है, 300-350 लोग का पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि अनिल देशमुख जो कलेक्टर देशमुख सर है, उनका भी जो काम करने का तरीका है बहुत फास्ट है और अच्छा है। मुझे लगता है वो ये भी 1.5-2 महीने में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।